दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल इंडियन वर्ड्स ग्रुप में और मैं हूं वसीम। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों कमेंट में अपनी राय या फीडबैक देना चाहते हैं दे सकते हैं। दोस्तों आज हमें उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में और ये जो छत आप देख रहे हैं जनाब ताहिर भाई पान वालों की, दोस्तों ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, शाबाद मोहल्ला पड़ता है दोस्तों। ये आइए दोस्तों इनसे कुछ बात करते हैं। दोस्तों ये वो छत है जिससे तकरीबन 40 उड़ानें हो चुकी हैं और कम से कम 35 की जीत का खिताब जिस खिलाड़ी के नाम हुआ है सामने दोस्तों वो है ताहिर भाई। और दोस्तों अगर बात करें छोटी उड़ानों की, जैसे 31 वाला कप हो गया, 35 वालों कप हो गया, तो उसके सुपर स्टार खिलाड़ी हैं जनाब ताहिर भाई। दोस्तों सामने हैं ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई। ये जो शौक है आपका कब से चल रहा है? ये हमारे बाप दादा से चला रहा है। अच्छा, तो कितनी पुश्तैनी? तो आपको कौन से कबूतर जो है ज्यादा पसंद है, किस तरीके कबूतर आप पसंद करते हैं उड़ाना? भूरे अम्बरसरे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ठेकेदार कबूतर हैं, भूरे अम्बरसरे हैं, इनसे शौक ज्यादा है। अच्छा, बात करें उड़ानों की तो कितनी उड़ानें इस छत से अब तक हो चुकी हैं? लगभग करीब 40 के करीब उड़ाने मैंने। 40 कबूतर उड़ाने। तो यहाँ से शौक को कौन कौन करता है? यहाँ शौक में इसका मेरे भतीजा है, ये बड़ा जी अल्तमज भाई। क्या हाल है अल्तमज भाई? अल्लाह का शुक्र है भाई। और ये जो बैठे हैं ये हमारे छोटे भाई हैं जी, इन्हीं के नजरिए सब कुछ है, सफाई का, दाने का, सब कुछ यही करते हैं, जिसकी वजह से शौक ही चल रहा है। हमारे कहीं इतना टाइम नहीं है, उनको ज्यादा टाइम दे सके। अच्छा, सब पूरी साल यही करते हैं। ताहिर भाई बात करें, जैसे कि इस वक्त जो है मौसम हो चुका है और सर्दी का स्टार्ट, तो आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि किसी खिलाड़ी को जो है किस तरीके की सावधानियां बरतना चाहिए जिससे उसके कबूतरों में बीमारी ना लगे, और दूसरी चीज ये कि मतलब क्या क्या उसको सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस टाइम पर थोड़ा बाजरे का इस्तेमाल करें जी, वो भी साफ करके, फुंसी ना हो जी, और उसमें अगर चाहे तो गेहूं मिला लें थोड़ा मोटा दाना, जिससे टिका रहे, रात बड़ी होती है इस वजह से। अच्छा, थोड़ा अगर सरसों भी लगा दें जिससे गर्माहट रहे कबूतर के अंदर। अच्छा ताहिर भाई, आपकी नजर में एक अच्छे कबूतर की मतलब शिनाख्त कैसे की जाए, मतलब किस तरीके से पहचाने की ये अच्छा कबूतर है? इस टाइम का तो कबूतरों का हिसाब ही दूसरा हो गया है जी। पहले कबूतर गोल हड्डी का गोल होता था, छोटी चोंच का होता था, गोल उड़ता था जी। अब वो गोल उड़ने के कारण उसे जानवर सब ले जाता है जी, इस वजह से उसका हिसाब किताब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अच्छा, एक चीज और, जैसे कि हड्डी और पंजे, तो इसमें खिलाड़ी क्या देखता है? मतलब देखिए, देखने को तो लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं जी। भाई हड्डी के अंदर नरम पानी देखा जाता है जी, मतलब पंजे जरा बड़े होना चाहिए, नाखून बड़े होना चाहिए। अच्छा, जैसे बात करें जोड़ों की, जैसे मैंने अभी एक कबूतरी खरीदी थी कम से कम 300 रुपए की, तो वो नौ कली पट्टी थी, तो उसके जो जोड़ थे जो खुले हुए थे, तो मुझसे लोगों ने कहा यार ये कबूतरी बेकार है, इसके जो जोड़ हैं खुले हुए हैं। तो मैंने जिससे खरीदी थी मैंने उससे ये पूछा यार तो उसके जोड़ तो हैं खुले हुए हैं, तो बोला यार ये कुछ कबूतरी जो अंडा देने के वजह से खुल जाते हैं, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा होता है कि जिसकी जोड़ अगर खुले हैं और हड्डी बहुत कर्री है, अच्छा, तो उसका बच्चा नहीं करेगा। अच्छा, और जिसकी हड्डी बिल्कुल मुलायम होती, लपी सी होती है, उसके गिर जाते हैं, और वो कबूतर भी गिर जाएगा, जोड़ खुला भी गिर जाएगा, उसे जोड़ों में डालने की बेकार होता है। अच्छा, तो मतलब नाखून की बात करें तो मतलब लंबे होने चाहिए, नाखून बड़े होना चाहिए। अच्छा, और उसमें कलर वगैरह कुछ क्या, जैसे कि जिस रंग का कबूतर पक्का कबूतर पक्का ही नाखून होना चाहिए। अच्छा, और अगर बात में अमूमन चल जाता है, काले सफेद हो जाते हैं। और अगर बात करें आँख की तो उसमें क्या देखते हैं? भाई आँख का घेरा साफ होना चाहिए, सफाई कम होना चाहिए, ज्यादा सियान हो जाता है कबूतर, पर्दा बन जाता है। दोस्तों हर खिलाड़ी का अपना अलग नजरिया होता है, ये जो आप बता रहे हैं वो आपके नजरिए से है, इसमें लोग ये ना कहें कि कमेंट नीचे डाल दें कि हमारे नजरिए से ये है। तो दोस्तों हर खिलाड़ी का अपना अलग तरीका होता है ना ताहिर भाई, और परों में क्या देखें मतलब आपके मतलब नजरिए से? भाई परों में यह है कि ज्यादा कुंदे टैट कुंदे होना चाहिए जी, चौड़ी जितनी परगिरी होगी उतनी ज्यादा परवास करेगा कबूतर। आइए दोस्तों दिखाते हैं ताहिर भाई की वो कबूतर जो इनको ये जो उड़ाते हैं इनकी उड़ानों में, और कम से कम 35 उड़ानें जो हैं आपने क्वालिफाइड की हुई है। दोस्तों ये वो छत है जहां से तकरीबन 35 उड़ानों की जीत का खिताब जिस खिलाड़ी के नाम हुआ है सामने, दोस्तों वो खिलाड़ी
जो सबसे साफ सुथरी उड़ाने होती है दोस्तों, कोई गिरक नहीं कुछ नहीं जी। आज तक इस तरह से कभी आज तक कोई शिकायत झंडी दिखाई है या कुछ करा है? एम्पायरों का ये कहना होता है कि हम तो यहाँ आके बंद करके भी बैठ जाए तब भी हमें कोई शक कोई शुभ मालूम कर लोगे इस बारे में हमारे सब बता दें। आइए दोस्तों दिखाते हैं कबूतर। देखिए दोस्तों पीली आंखों का बहुत ही लाजवाब कबूतर। ये हमारा सफेद कबूतर है जी और इसकी माशाल्लाह से काफी नस्ल इसकी चल रही है। मैं इसको आपका आग का शौक कराता हूँ। जैसे कि आप इसकी आग देख रहे हैं घेरा एकदम बिल्कुल साफ है जी। और मैं आपको इसके देखिए पंजे दिखाता हूँ, काले और जामनी पंजे हैं। ये एक मजबूत कबूतर की पहचान ही है जी। और इस कबूतर की खास पहचान ये है, इससे जो मादा हम डाल देते हैं वो बच्चे उड़ाता है। और एक ही मादा से नहीं कई मादा से इसके बच्चे उड़ रहे हैं। आइए मैं आपको इसके बच्चे दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा जोड़ों वाले कबूतर दिखा दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह वो कबूतर कब भी कवर करेंगे जो उड़ने वाले हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये उत्तर प्रदेश का शहर बरेली है। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे देसी हाई क्लास कबूतर उड़ाते हैं और इनमें कोई पंजाबी या मद्रासी कबूतर नहीं है। दोस्तों देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना जीरिया कबूतर है, ये पीली आंखों का। मैं इसको आग पर ही आग का शौक कराता हूँ। ये देखिए आप इसकी आग देखिएगा। देखिए दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब। और मैं इसके आपके पंजे दिखाता हूँ। देखिए ये बहुत मजबूत कबूतर है। इस कबूतर से हम जो भी मादा डालते हैं बच्चे उड़ाता है। और माशाल्लाह से हर साल हम इससे मादा बदलकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हर साल इसके बच्चे उड़ते हैं। और मैं आपको एक इसकी मादा दिखाता हूँ जो हमारी पुरानी उड़ी हुई कबूतरी है। खुद भी उड़ाती है, ये खुद भी उड़ती है, बच्चे भी उड़ाती है जी। ये कबूतरी देखिएगा और इसकी आप आग का शौक करिएगा। देखिए इसकी आप आग देख सकते हैं दोस्तों। ये वो छत है जिससे इस बार बरेली टूर्नामेंट में 21 वाले ये कबूतरी खुद कम से कम 5 मोहरे खाई हुई है ये। जी जी। लेकिन इस साल ऐसा हुआ, ये कबूतरी खुली रह गई थी तो बंदरों ने इसका जो था बाजू तोड़ दिया। इस साल ये कबूतरी उड़ान से रह गई। आप इसके नाखून देखिएगा जी, ये बहुत मजबूत हमारी कबूतरी है। सिर्फ इसी नर से नहीं, ये हम अदला बदली करते रहते हैं और ये बच्चे उड़ते हैं इसके जी। माशाल्लाह है। ये देखिएगा, ये हमारा कबूतर है, ये जी अम्बरसरा कबूतर है ये भूरा। ये इसे हम फिरोजपुरी करके ये हमारे कबूतर खाने में मशहूर है ये जी। तो ताहिर भाई आपके यहाँ जो बच्चे उड़ते हैं इन्हीं जो मैं देख रहा हूँ, बस 2-4 कबूतर हैं इन्हीं की पट्टे हैं। इसकी आग का शौक देखिए जी। भूरे वाला भूरे ये है, 2 साल इसके पर दिखा दीजिए। ये देखिएगा इसके पर देखिएगा, ये इसके पंजे। इसके ये पर देखिएगा, ये छोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों ये खतंग कबूतर है ये हमारा जी। माशाल्लाह ये जो है तोहफे में आया हुआ कबूतर है जी। एक साहब ने दिया है। इसके बच्चे आपके पास? ना इसके बच्चे तो नहीं है, ये साल जो है इंशाल्लाह देखिए हम इसे उड़ाएंगे जी। और ये अच्छी परवास का कबूतर है ये जी। इसकी आग देखिएगा। इसके पर दिखा दीजिए। हाँ बोल दीजिए। हाँ तुम जाओ उनको क्या? इसके पंजे दिखा दीजिए, छोड़ दीजिए। काला दोआस कबूतर है ये हमारा। और ये इसका हमने नया जोड़ा इस बार डाला है जी, काले दोआस। दोस्तों देखने नहीं मिलते थे आसानी से। और ये दुम देखिएगा इसकी, ये माशाल्लाह बहुत ही। और इससे जो मादा डाली है काली आग का कबूतर है ये जी। और इससे जो हमने माला डाली है देखिएगा वो भी ऐसी है। ये देखिएगा ये मादा है, ये सफेद दुम की मादा है ये जी। और ये भी जो है काली आंखों की है ये। तो क्या रिजल्ट है इस फीमेल का? ये घर की पट्टी है ये, एक हमारे सागर भाई हैं, हमारे भाई हैं अपने जी, उनके घर का 52 जोड़ है। तो ये उनके 52 जोड़ों की पट्टी है ये जी। और ये दोआस बहुत उड़ने वाले कबूतर जी जी माशाल्लाह। तो उन्होंने ये तोहफे में दी थी और कहा था कि अल्तमश भाई आप जो है इसका जोड़ा डालिएगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ये देखिएगा ये पूरा जोड़ा है। देखिए दोस्तों माशाल्लाह ये सुर्खा चमेलिया कबूतर है हमारा। इसके बच्चे भी बहुत उड़ते हैं लेकिन इस साल जो है इसके बच्चे आंखों की बीमारी जो थे मर गए जी जी। लेकिन इंशाल्लाह इसका हम इस बार जो है फिर से जोड़ जो है मिलाएंगे इसका। मैं तुम्हें आपको आग दिखाता हूँ इसकी। ये पुरानी नस्लों में इसकी जो है आग है ये आप देख सकते हैं ये जी।
देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आप जो लॉफ्ट देख रहे हैं इसमें सारे देखिए दोस्तों एक से एक लाजवाब कबूतर। क्या रिजल्ट रहा था इसका भाई? ये कबूतर भाई कम मिनिमम ये मान लीजिए 2:30 बजे बैठे, जो भी खागी सरा दिखाया था जी, ये उसका पट्टा है जी। आप इसकी आँख का शौक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वो सारे कबूतर हैं जो ताहिर भाई के यहाँ और अल्तमज भाई के यहाँ जो उड़ते हैं, इनकी उड़ानों में सफ़ेद दिखा दी 2-4 कल चोचे। ये सफ़ेद जो हमने पीली आँखों का दिखाया था जी, ये उसका पोता है। ये मजबूती दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत मजबूत कबूतर, ये हमारा बहुत मजबूत कबूतर है ये जी। कितनी सालों से उड़ रहा है तकरीबन? ये तकरीबन 4 साल से उड़ रहा है, हर साल मोर खाता है, लेकिन इस साल इस कबूतर को जानवर घुसेड़ गया था जी। तकरीबन ये 10 मिनट से कबूतर कट गया है। ये देखिए इसका ये पर ये टूट गया था तो हमने ये पर जोड़ा था, ये इन्हीं परों से ऐसे ही ये हमारा शाम को बैठता है ये जी। छोड़ दीजिए, ये कल चोचा दिखा दीजिए, ये वाला सफ़ेद ये कबूतर जो है ये भी हमारे घर का बच्चा है। इस पट्टे को जो था हमने रोक दिया था, लेकिन ये पट्टा हमारा 2.5-3 हर उड़ान इसकी ऐसी है, इसी साल का ये बच्चा है। मैं आपको इसकी माँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारी ललपलकन कबूतरी है ये जी। ये हम जिस नर से डाल देते हैं ये बच्चे उड़ाती है, ये इसकी खासियत है। ये देखिए लाल पलकों की ये हमारी कबूतरी है, लाल नथौड़े हैं इसकी जी। ये भी हमारी घर की है ये जी। ये भी मोर खाई हुई कबूतरी है हमारी ये जी जी। ये दिखा दिया क्या ये वाला? ना ये नहीं दिखा दिया। पाँच पाँच बजे तक बैठते हैं वाले नस्लें जी, नस्लें 5 बजे तक बैठती हैं दोस्तों। ये शाम की मात ही अब 5 बजे देखिए, ये हमने मोर पर लगाया था, इसने भी तकरीबन हवा की उड़ान में 2 से 2.5 बजे की मोर खाई थी। वो जो हमने सफ़ेद दिखाया था ये भी उसका पोता है जी माशाल्लाह। इसका जो बाप था वो हमारा बसे में चला गया था, वो भी शाम को बैठता था। इसके जो ये देखिए आप इसकी आँख का शौक करिएगा, जो इनके जो चचा हैं मैं आपको इनके चचा दिखाता हूँ। ये भूरा वाला, ये वाला, ये दिखा दीजिए इसका, ये जी ये दिखा दिया था। अच्छा ये जो भूरा है ये इनके चचा है, दो चचा हैं ये देखिए, दोनों एक से हैं। बस एक इसके जो है काली कात है ये, पीली आँखों के ये देखिएगा। मोहर पे लगाने पे बस जाता है ये कबूतर? ये मोहर पे पिछले साल भी बस गया था तो अगले दिन आया था, इससे पहले ही बस गया था तो अगले दिन आया था। इसका सगा भैया जो है मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, मोहर पे होता क्या है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो उसकी टाइमिंग जो है बढ़ा देते हैं। ये है देखो, ये इसका भैया है, सेम एक सा है, ये भी वही पर, इसकी दुम्बे जो है दो पत्ते, सेम गर्दन है इसकी भी, पीली आँख का है ये भी। दिखाई 6 पड़ंग अपनी जैसे बड़ी मार रही थी। इसके पर दिखा दीजिए, ये इसके जो है पर देखिएगा, ये इसके पंजे दिखा दीजिए, इसका वो वाला भूरा दिखाओ वो बैठा। छोड़ दीजिए, इसका एक और भतीजा है जो हमने मोर पर लगाया था, पोती दिखाओ, ये जो बैठी बसके बैठी बसे पे लगाई उसे 2:30 बजे। काली दुम्बाला भूरा कहाँ है अपना? पीछे होगा वाला, वो है वो है। ये देखिए ये इनका भतीजा है, ये भी इनका भतीजा है जी। इसने भी मोर खाई है कबूतर ने हमारे, इस साल मजबूत कबूतर है दोस्तों साल। आप इसकी आँख का शौक देखिएगा, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बहुत ही लाजवाब कबूतर, इसके पर दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कबूतर की क्वांटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा है, हम आपको एक एक करके नहीं दिखा सकते। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।